हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे नंबर 6, 75 डेज वेट लॉस चैलेंज का। सो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग। एंड गाइस, आज मैंने रनिंग नहीं करी है, आज हम सिर्फ 4 to 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे, बिकॉज आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरी जो छोटी वाली डॉटर है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो बट मैंने सोचा वर्कआउट तो करना है, कोई नहीं, अगर वो परेशान करेगी तो उसको भी देखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या है कि मेरी ना बड़े वाली डॉटर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसको भी काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है। एंड अभी उसके जो है हॉलीडेज भी चलते हैं एग्ज़ाम्स के बीच बीच में, 2 days या 3 days के हॉलीडेज़ होते हैं, तो उसको भी रिवीजन प्रैक्टिस सब करवाना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है गाइज। लेकिन मैं वर्कआउट करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं 15 मिनट्स करूँ, 20 मिनट्स करूँ, 25 मिनट्स करूँ, पर मैं ज़रूर करूँगी। सो आज जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ गाइज, वो हम एप्स के लिए कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट वो हम कोर के लिए भी करेंगे। तो ये एप्स एंड कोर दोनों के लिए है गाइज। एंड रेपिटेशंस जितने भी रहेंगे एंड सेट्स जितने भी रहेंगे वो मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिया है गाइस। पता है क्या होता है, हम मदर्स को ना काफ़ी चीज़ें जो है एक साथ में हैंडल करनी होती हैं, कहते हैं ना साइमल्टेनियसली जो है हम चीज़ें हैंडल करते हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट मेरी कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। एंड गाइस, स्पेशली मैं अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम देना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट कि मैं ब्लॉगिंग में एंड वर्कआउट में इतना ज़्यादा खो जाऊँ, इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊँ कि मैं अपने बच्चों को टाइम ना दे पाऊँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वर्कआउट जल्द से जल्द फिनिश करूँ, बिकॉज वो भी मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है उसने कुछ मेरे से खाने के लिए मांगा था, और देखो जैसे ही मैं गई हूँ किचन में एंड मेरी छोटी वाली बेटी जो है आ गई, डंबल उठाने लग गई। तो इसी तरीके से दोनों मुझे परेशान करते रहते हैं। खैर, बड़ी वाली डॉटर फिर इतनी समझदार है, वो इतना नहीं करती, पर छोटी वाली बेटी जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करती है। खैर एनीवेज, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो उसको मैंने बस गोदी में लिया एंड मैं उसको उसकी बड़ी बहन के पास छोड़कर आई। एंड प्लस उसके दादू दादी भी होते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं। हाँ, बट बीच बीच में मुझे इस तरीके से ही दोनों को देखना पड़ता है। जब बेटी बड़ी वाली स्कूल चले जाती है तो छोटे वाली को पूरा ध्यान देना पड़ता है, बट अभी जैसे कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी घर पर ही होती है मोस्टली। तो बट कोई नहीं गाइज, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है ना, बिकॉज ये बच्चे भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेरे लिए मेरा वर्कआउट इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बट ये है गाइज कि मैं वर्कआउट के बिना ना मेरा डे बिल्कुल इनकम्प्लीट रहता है, तो इसलिए मुझे वर्कआउट करना ही करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं 20 to 25 मिनट्स का जो है हार्ड वर्कआउट करती हूँ इंटेंसिटी में, तो उससे क्या होता है हमारी कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं, प्लस हमारा वर्कआउट भी हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप खाने के जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना, तो आपका वेट इतना कभी गेन होगा ही नहीं। एंड कुछ लोग घबरा जाते हैं कि उनका जो है वेट कम हुआ लेकिन 1-2 किलो फिर से बढ़ गया, तो गाइज ये तो साइकिल है, ये कभी 1-2 किलो कम होगा, कभी बढ़ेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि कभी 1 kg बढ़ गया या 1.5 kg बढ़ गया वेट, लेकिन हाँ 5 to 6 kg, 4 to 5 kg बढ़ना फिर वो ठीक नहीं है, फिर आपका जो है कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट एंड योर डाइट, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो सेट्स एंड रेपिटेशंस गाइज आपको स्क्रीन पे मेंशन होंगे एंड आप उसी तरीके से जो वर्कआउट कर सकते हो गाइज। काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से अब जो न्यू जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो मुझसे पूछते हैं कि हमारी डिलीवरी को अभी 4 months हो गए, 5 months हो गए, तो हम क्या वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं? गाइज सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछें, उससे एडवाइस लें, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को अच्छा एक रिलैक्स देने के बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करा था। 7 months के गैप के बाद मैंने जो अपना वर्कआउट स्टार्ट करा, उससे पहले मैं थोड़ी बहुत वॉक वगैरह करती थी। एंड गाइज आप जो है डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, डॉक्टर के बिना पूछे जो है वर्कआउट ना करें, बिकॉज मैंने भी डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे 3 months का टाइम दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेबी को पूरा टाइम दूँ और अपनी हेल्थ को भी पूरा टाइम दूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता था सिजेरियन के बाद मैं जो है बिल्कुल फिट फील करूँगी या नहीं करूँगी। बट गाइज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ गाइज, कुछ नहीं है, ये एक मिथ है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप ऐसे हो जाओगे, सीजेरियन के बाद आप ऐसे हो जाओगे। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर डाइट, फोकस ऑन योर वर्कआउट, तो आप सब कुछ जो है हासिल कर पाओगे, सब कुछ अचीव कर पाओगे। तो मैंने तो 6 to 7 months का जो है ब्रेक लिया था एंड देन उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट किया था। एंड अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, 5 to 6 months हो चुके आपकी डिलीवरी को, तो आप जो मेरे पहले वाले जो चैलेंजेस हैं जो मैंने पहले करे थे 30 days के, 45 days के, 7 days के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वो बिकॉज मैंने बिगनर वाला वर्कआउट स्टार्ट करा था, बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत इंटेंसिटी वाला वर्कआउट स्टार्ट नहीं करा था, हैवी वेट वाला, बिल्कुल सिंपल मैंने वर्कआउट करा था। तो आप वो सारे मेरे चैलेंजेस जो है जाकर देख सकते हो।
तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो गाइस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इस वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे की डाइट की आज मैंने क्या क्या खाया। शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ आज की अपनी फुल डे की डाइट। पूरा दिन मैंने अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया। सो मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने लिक्विड वाटर लिया था जो कि मेरा मस्ट है, कंपल्सरी है, जो कि मैं लेती ही लेती हूँ। तो ये बिग साइज का जो है मग है। एंड ब्रेकफास्ट में गाइज मैंने यहाँ पे हंकर्ड वाला सैंडविच बनाया था। ये मैंने हंकर्ड का जो स्प्रेड करा है ब्रेड के ऊपर, देन क्यूकम्बर अनियन एंड टमेटोज को जो है इस तरीके से कट करके लगाया है। पनीर का एक बिग स्लाइस लगाया है एंड उसके ऊपर से चीज़ स्लाइस लगाया है, ऑरेगैनो चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करके ग्रिलर में ग्रिल करके, एंड एक यम्मी सैंडविच एंड हेल्दी सैंडविच बन गया है। ब्राउड जो है सॉरी जो ये ब्रेड है गाइज, ये ब्राउन ब्रेड है, तो
तो ये एक हमारा हेल्दी सैंडविच बन गया गाइज। आप इस तरीके से ही सैंडविच बनाएं, मेयोनीज वगैरह को जो है अवॉइड करें, बिकॉज मेयोनीज में कैलोरीज होती है, तो आप हम कर्ड का यूज़ कर सकते हो, उससे भी सेम ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट जिंजर वाली टी ली थी गाइज, बिकॉज आई एम टी लवर, सो आप लोगों को पता ही होगा। देन उसके बाद बारी आती है मिड मॉर्निंग ब्रेक की, तो यहाँ पर मैंने चीकू लिया था गाइज। चीकू में जो थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, बट हाँ ये सीजनल फ्रूट है तो आप ले सकते हो। बट क्वांटिटी देखकर मैंने एक स्मॉल साइज का जो है चीकू लिया था गाइज। एंड आप लोगों को पता है मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है ना, उसका निकनेम चीकू है, तो मैं जब भी उसके सामने चीकू खाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बेटा मैं चीकू खा रही हूँ, आपको चीकू खाना है? तो वो कहती है कि मम्मा मैं खुद चीकू हूँ, तो आप चीकू कैसे खा सकते हो, चीकू तो मैं हूँ। तो एक ये फनी जो है टाइम हो जाता है। तो देन उसके बाद जो है मैंने लंच में यहाँ पे गई स्पिनच की एंड ऑनियन धनिया ये सब एंड जीरा एंड साथ में दाल ये सब डालकर जो है ना मैंने वो बनाया था मिक्स करके डो बनाया था आटे का। तो ये हमारी एक हेल्दी रोटी हो गई है, जिसके ऊपर से मैंने घी लगाया गई, जिसको मैंने पराठे की फॉर्म में नहीं बनाया है। तो ये काफ़ी हेल्दी एंड काफ़ी न्यूट्रिशन से भरी है, प्रोटीन है इसमें, फाइबर है, साथ में अपनी फेवरेट कर्ड ली मैंने और थोड़ा सा लेमन पिकल लिया। तो आप इस तरीके से भी रोटी वगैरह ट्राई कर सकते हो, आटा कम यूज़ करें। दाल इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, स्पेनिश था, ऑनियन एंड जीरा भी डाला था मैंने, क्यूमिन सीड, तो ये काफ़ी यमी लगा। देन इवनिंग में मैंने यहाँ पे अपने लिए वही चाय ली थी गाइस, क्योंकि मैंने ग्रीन टी पी के देखा बट मेरा ना बन नहीं रहा था उससे, तो मैंने सोचा मैंने विदाउट शुगर ही पीनी है, तो कोई नहीं मैं कम क्वांटिटी में पीऊंगी, लेकिन मैं टी ही पीऊंगी, बिकॉज मुझे थोड़ी ना हेडेक की इशू होने लग जाती थी इवनिंग के टाइम पे, तो इसलिए मैंने ग्रीन टी को अवॉइड कर दिया। एंड उसके बाद जो है मैंने साथ में ये अपने रोस्टेड एलमंड्स लिए थे, हाँ बट अवॉइड नहीं किया, समटाइम्स मैं ज़रूर लूँगी। देन डिनर में गाइज मैंने वही सेम डो का जो है इस तरीके से रोटी बनाई थी, जिसके ऊपर ही मैंने घी लगाया था, एंड ये थोड़ी सी थिन बनाई है मैंने और थोड़ा सा बिग साइज है इसका। तो आप भी इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा डो बनाओ, जिससे कि आपका ये यूज़ हो जाए। एंड उसके ऊपर मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी का जो है स्प्रेड कर दिया है इसको, तो मैं आज रैप बना रही हूँ गाइज। एंड उसके बाद जो है ना मैंने वेजिटेबल्स को सॉटे किया था, लाइक जिसमें थी कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, मशरूम एंड पनीर, तो जिसमें मैंने थोड़ा सा सेजवान सॉस डाला था, जिससे कि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, एंड नमक, थोड़ा सा नमक डाला था एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर। तो ये मैंने अच्छे से सौते कर दिया है, एंड गार्लिक भी डाला था गाइज, अनियन भी। तो अब हम इस सारे जो है मिक्सचर को, वेजिटेबल्स जो हमने सौते करी हैं, इसका स्प्रेड मैं इस तरीके से कर दूंगी। एंड देन गाइज ये इतना यमी बनेगा ना कि आप बाहर का रैप खाना बिल्कुल भूल जाओगे, ये बहुत डिलीशियस बना था। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करा, साथ में अपनी वो चटनी ली, एंड गाइज इतनी सारी मैंने वेजिटेबल्स अंदर डाली हैं कि देखो भर भर के पूरी कि बाहर निकल रही हैं सब्जियाँ, एंड फाइबर इसमें अच्छा होता है गाइज। तो ये हमारा डिनर हो गया।